हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं ग्रैनी चैप्टर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम इजी मोड ही खेलेंगे फिर से, और आज हम करेंगे बोट एस्केप। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्टार्ट हो चुका है डे वन से अपने। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं अपना आगे। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इधर इस रूम में तो अभी कुछ नहीं है, तो अपन ऊपर चलते हैं। सो गाइस सामने दादाजी आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, अपन फिर भी इधर देखेंगे। सो गाइस दादाजी पीछे ही हैं, अपन आगे चलते हैं। इस रूम में छुप जाते हैं, मैं सोच रहा हूँ। हाँ इसमें सही रहेगा, इसमें अपन बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ओह नो शिट, शायद ये हंगर हीट गया। हाँ अब अगर बाहर निकला तो दादाजी मार देंगे, और नहीं निकला तो ग्रैनी आ जाएगी। शिट, हाँ गाइस जैसा कि सोचा था मैंने, ग्रैनी आ जाएगी। कोई नहीं गाइस, अभी 4 डेज है अपने पास, अपन उस पर भी जी सकते हैं। सो गाइस जैसा कि आप देख पाए, डे 2 स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए अपन आगे खेलते हैं। सो गाइस अभी अपन ऊपर ही चलते सीधा, ताकि अपन को पकड़ भी ना पाए एक तरीके से, और अपनी इधर आके छुप जाए। ओ ग्रैनी आ गई, शिट, भागो फटाफट। अब गाइस मैं आगे वाले रूम में सोच रहा हूँ जाने का, ताकि उधर जाके अपन बैठ के नीचे छुप सके। ये सही है, वैसे ग्रैनी अपन से बहुत पीछे रह चुकी है, पर कोई नहीं, अपन फिर भी गेट बंद करके अपनी इधर आके छुप जाते हैं बैठ के नीचे। सो गाइस मुझे लगता है ग्रैनी नहीं आएगी, अपन बाहर निकलते हैं आगे इस रूम में, देखते हैं कुछ है क्या। ग्रैनी ने अभी तक गेट भी नहीं खोला है, मतलब नहीं आएगी। सो गाइस अभी मेरे को तो लग रहा है कबर्ड में कुछ भी नहीं है, बस ये ओ ग्रैनी ने गेट खोला, मगर देखा ही नहीं अपन को, क्योंकि वो बाहर से देख के चली गई। कोई नहीं, अब अपन को थोड़ा आराम से जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर की एज है। तो कोई नहीं, इधर क्या हेलीकॉप्टर मैनुअल, तो ये भी ले लेते। वैसे अपन आज बोट एस्केप करने वाले। सो गाइस अपन को वेपन की भी मिल चुकी है, तो चलिए अपन वेपन के लिए नीचे चलते हैं। फिर मैं तो नीचे बैठ जाता हूँ। ओ दादा दादाजी आ गए, कोई नहीं अपन आगे जाते हैं। दादा छाए जाते हैं अंदर वैसे, तो भी देख लेते हैं अपन फिर भी। हाँ जैसा कि मैंने सोचा, दादाजी अंदर आ जाते हैं। अपन नीचे चलते हैं वैसे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले अपन ग्रैनी को ऊपर बुलाते हैं और दादाजी को नीचे भेज देते हैं। इससे क्या होगा, ग्रैनी ऊपर आ जाएगी और नीचे जो भी साउंड होंगे उसको उसको पता ही नहीं चलेगा, तो ये सही रहेगा। अभी मैं ये गिरा देता हूँ हल्का सा। तो अंदर गैसोलीन टैंक है वैसे, आप देख पा रहे हैं। तो अगर ग्रैनी अभी तक तो नहीं आई, मगर आ रही है, तो अपन अब आगे से चलते हैं। नीचे उतर जाते हैं आगे से अपन, और उधर से फिर जाके अपन वेपन की से वेपन ले लेंगे, शॉटगन जो है। तो चलिए चलते हैं। दादा नीचे होंगे, लेकिन हाँ नीचे ही है, लेकिन वो अपन को सुन ही नहीं पाएगा।
सुपर, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं हमने शॉर्ट गन भी ले ली है और इधर हेलीकॉप्टर की है, लेकिन अपने कोई काम की भी नहीं है। और ये तो बाथरूम का हो, जहाँ पर अपन छुप सकते हैं शायद। तो चलिए अपन आगे चलते हैं, पहले अपन को ये बंद करना पड़ेगा ताकि अपन आगे जा सकें। इधर से रेंच चाहिएगा, सुपर गाड़ी आ रही सामने से। ओह नो, मिस हो गया, इतनी दूर से था इसलिए शॉट। मगर कोई नहीं, अपने पास एमओ भी है, इधर पूरे घर में एमओ रहती है हर समय, कहीं ना कहीं अभी अपन को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर किचन में मिलती है हमेशा 2 एमओ, तो अभी अपन इधर से एमओ ले लेते हैं। और अभी किचन भी देखना अपन को कुछ काम का सामान मिल सके तो। यहाँ पर सिर्फ एक कटिंग प्राइस पड़े और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कबर्ड्स में देख लेते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। मैं देख रहा हूँ कहीं पीछे से ज़्यादा जी नहीं आ जाए। और यहाँ पर बोट की मिल चुकी है, तो गाइस अपन को बोट की भी मिल चुकी है और गैसोलीन तो पहले से ही मिल चुका है। तो बस हमें अब 2 और चीज़ें चाहिए, पैडलॉक की और स्पार्क प्लग, और एक और चाहिए वो बोट स्टीयरिंग का व्हील। तो गाइस दादा जी इधर है, तो अपन इसको मार देते हैं अभी इधर से। तो भाई दादाजी भी गए, बस हमें अब सिक्योरिटी की चाहिए। और नीचे जाना पड़ेगा शायद अपन को, नीचे से लेनी पड़ेगी। कोई नहीं, इधर से ले लेते हैं। अब जाके अपन सिक्योरिटी रूम खोल लेते हैं। सो भाई सेफ की मिल चुकी है अपन को सिक्योरिटी रूम से। तो गाइस अपन सेफ के पास चलते हैं अभी, शायद उधर पैडलॉक की हो, लेकिन डोर हैंडल है बस एक, तो कोई नहीं। वो अब अपन शॉर्ट गन उठा लेते हैं एक बार फिर से। और मैं सोच रहा हूँ ऊपर सिक्योरिटी वाले रूम में एक बार जाके देख लेते, क्योंकि वहाँ पे पैडलॉक ही होती है हमेशा। तो सो गाइस अभी अपन ऊपर चलते हैं। सो गाइस इधर देख लेते हैं इस रूम में क्या है। सो गाइस बोर्ड स्टीयरिंग व्हील भी मिल चुका है, बस हमें अब स्पार्क प्लग और पैडलॉक ही चाहिए। सो इधर देख लेता हूँ इसमें ड्रॉर्स में, इधर डक्ट टेप है, लेकिन अपन को ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपन हेलीकॉप्टर से नहीं भागने वाले, बोट से भागेंगे। सो गाइस ये गेट भी खुल चुका है, इधर से अपन एमओ उठा लेते फिर से। और गाइस मैं सोच रहा हूँ इधर से चला जाऊँ, ताकि अगर कुछ ना कुछ हो तो अपने इधर से आए बाहर। सो गाइस मैं ग्रैनी का इंतजार कर रहा हूँ ताकि वो आ जाए और अपन उसको फिर से मार दे। सो मैं अभी कटिंग प्लांट्स लेकर जाता हूँ, लेकिन ग्रैनी आ रही है तो अपन उसको मार ही देते हैं फिर। सो गाइस अपन ऊपर चलते हैं फिर। ऊपर देख लेते हैं अपन, पैडलॉक ही हो तो अच्छा है। सो गाइस जैसा कि मैं सोचा था पैडलॉक ही होगी, तो गाइस अपन को पैडलॉक की भी मिल चुकी है, बस हमें स्पार्क प्लग की जरूरत है अब। और मुझे लगा रहा है वो सेफ वाले रूम में होगा, जहाँ पे सेफ रूम में वो ड्रॉस थी उधर होगा। तो गाइस अभी अपन जाके नीचे वाले पैडलॉक की से वो ताला खोल लेते हैं। वो दादाजी आ गए, तो कोई नहीं, अपना शॉटगन है तो मैं उसको उधर लेकर जाऊँगा और फिर शॉटगन से मार दूँगा। कोई शॉर्ट गन उठ के नहीं रही है, कोई नहीं उठ गई है, अब अपन दादाजी को मार सकते हैं। ये भी गया। सो गाइस अपन नीचे वाले रूम में चलते हैं, जहाँ पे बोट होती है।
सो गया अपन ने ये वाला ताला भी खोल दिया और अपन बस इस लीवर को नीचे करना है। और आप जैसे कि देख पा रहे सामने वाला केस भी खुल चुका है। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम इधर पहुंच चुके हैं। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी ऊपर आ चुका हूं और मेरे पास शॉर्ट गन है ही, आपको आपको पता ही है। अब मैं ग्रानी का इंतजार कर रहा हूं तो वो आए और अपन को मार दे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो मैंने ग्रानी को ही मार दिया और मैं ग्रैंडपा का देख रहा हूं। ग्रैंडपा भी आ गए, ग्रैंडपा भी आए। तो गाइस बस हमें एक एक दो चीज़ें और करनी है। जैसे आपको पता है गैसोलीन और स्पार्क प्लग ढूंढना बस। तो गैसोलीन तो इधर था मुझे याद है। तो गाइस अपन नीचे चलते हैं फिर से गैसोलीन भर देते हैं। स्टेयरिंग व्हील अपने पास है ऊपर, उधर से वो भी ले लेंगे। और बस हमें फिर उसके बाद एक ही चीज़ चाहिए, स्पार्क प्लग। तो गाइस गैसोलीन भर लेते हैं अंदर से। तो जैसे आप देख पा रहे हैं अगर इसको इधर से तो कहाँ पर आएगा वो गाइस, ये वापस इधर आ जाता है जमीन पर। ओके तो नहीं, फिर से एक बार देख लेता हूँ शायद कोई जादू हो तो वही इधर से करता हूँ और ये इधर आ गया। सही है, सो गाइस अभी अपन वापस ऊपर से ऊपर चलते हैं और बोट स्टीयरिंग व्हील और स्पार्क प्लग लेकर आते हैं। और मुझे याद ही नहीं कि मैंने स्पार्क प्लग कहाँ पे छोड़ा था, मगर कोई नहीं ढूंढ लेंगे। बोट की भी इधर ही है तो वो भी ले लेते हैं। सो गाइस जैसे कि देख पा रहे अपन नीचे भी आ चुके हैं वापस से। सो गाइस अभी अपन ऊपर आ चुके हैं वापस से और मैं स्पार्क प्लग ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे मिलेगा। जो है शायद मैंने इधर ही छोड़ा था, बाकी मुझे याद है हाँ इधर ही छोड़ा था। स्पार्क प्लग भी मिल चुका है अपन को और बस अब स्टेयरिंग व्हील चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमें स्पार्क प्लग भी लगवा दिया। तो बस हमें अब एक ही चीज़ चाहिए, बोट स्टेयरिंग व्हील चाहिए। तो अपन ऊपर जाके वो लेकर आते हैं और मुझे लग रहा है कि दादा और दादी जी फिर से आ चुके हैं। और फिर मैं अपन उठाते हैं और इधर से निकल जाते हैं, मैं सोचता हूँ सही रहेगा। हाँ तो अभी अपन नीचे चलते हैं फिर। तो गाइस ग्रैनी पीछे पड़ गई है, और अपने इधर से घूम के चलते हैं। लेकिन इधर से ग्रैंड पा जा रहे हैं तो अगर इस तरफ से ग्रैंड और इस तरफ से ग्रैंड पा इधर से निकल जाओ, मगर ग्रैंड पा ने देख लिया तो कोई नहीं, अपन उसका इंतजार करेंगे और इस रूम में जाके छुप जाएंगे। अब मुझे लग रहा है कि ग्रैंड पा शायद नीचे चला गया बोट रूम में, तो कोई नहीं अपन देख लेते एक बार जाकर। मुझे आज यही लग रहा है कि शायद ग्रैंड पा नीचे चला गया, अपन देख लेते एक बार। तो वैसे अपने अपन एक बार नीचे चलते हैं। हाँ गाइस ग्रैंड पा नीचे ही था, अब हम वापस इस रूम में जाते हैं। तो गाइस अपन वापस इस रूम में आ चुके हैं और छुप चुके हैं। तो वैसे अब शायद ग्रैंड पा चले गया। हाँ गया,
तो वहाँ नीचे चलते हैं और निकल जाते हैं इस कंसेजरानी से। तो स्टेरिंग व्हील भी लग चुका है, अब बस बोट की चाहिए। और जैसे अब एक बार बोट की चाहिए और अपन ने बोट की ले ली, इधर ही पड़ी है। तो गाइस बोट की भी अब मैंने ले ली है। तो गाइस अपन अब निकलते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और गाइस प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अगले वीडियो के लिए कमेंट जरूर करिएगा। गुड बाय।